नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, दलित न्यूज़ नेटवर्क के वरिष्ठ पत्रकार वैभव जी। वैभव जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैभव जी, बहुत सारी बातें आप करते रहते हैं, बहुजन मूवमेंट की बात करते हैं, बहुजन के नाम से आपका दलित न्यूज़ नेटवर्क की जो एक ब्रांड नेम क्लियर करता है कि आप बहुजनों की आवाज़ को बड़े अच्छे से उठाते रहते हैं। तो बहुजन के अंदर जो है अभी 7 कोऑर्डिनेटर लगाए हैं इस दिल्ली बसपा के अंदर, है ना। तो मैं बहुजन से रिलेटेड आपसे सवाल पूछ रहा हूँ बसपा के अंदर, क्योंकि बसपा की आप सबसे ज़्यादा न्यूज़ भी दिखाते हैं। क्या वाकई में जिसका बूथ कमेटी पर लोग नहीं होते वहाँ पर 7 कैंडिडेट ऐसे खड़े कर दिए हैं, जो क्या करके क्या परिवर्तन ला सकते हैं ये लोग साथ? देखो, हाल ही में बदलाव किया है बसपा ने, बहन जी ने यहाँ 7 बड़े नेताओं को लगाया है। हर लोकसभा में एक बड़ा नेता है, वो नेता जो कि राष्ट्रीय स्तर का नेता है। मसलन डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ हैं, राज्यसभा के वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। वीर सिंह जी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। राजा राम जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। और सीपी सिंह जी हैं, जो पहले प्रदेश अध्यक्ष थे। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होंगे फरवरी के महीने में, आम आदमी पार्टी शुरू हो चुकी है, तो बसपा ने सोचा कि हम भी अपनी संगठन को मजबूत कर दें, तो उनको यहाँ भेजा गया है। और हाल ही में एक मीटिंग भी ऑर्गेनाइज हुई थी करोलबाग में। और बसपा का दिल्ली में एक इतिहास है, आपको मालूम है, 14% का वोट आ गया था, 2 विधायक जीते थे, इसीलिए बहन जी भी सोचती हैं कि दिल्ली में वाकई में परिणाम आ सकता है। तो ये शायद एक बहन जी के दिमाग में ये एक आइडिया होगा इसके पीछे। बहन जी के नेतृत्व को, बहन जी की राजनीति को सभी लोग सलाम करते हैं, क्योंकि माननीय श्री काशीराम के जो नेतृत्व के बाद अगर किसी ने बागडोर संभाली है तो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने संभाली है। लेकिन छोटी मोटी गलती के बावजूद भी बसपा सुप्रीमो की या फिर बहुजन समाज पार्टी के लोगों की लाल कलम बहुत तेज़ी से चलती है, उनको पदों से बिल्कुल पदमुक्त कर दिया जाता है, इसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? देखो, हर पार्टियों में निष्कासन होते रहते हैं, ये सब चीज़ें घटती रहती हैं, क्योंकि कहाँ तक सही है ये, कहाँ तक सही है? ऐसे बीजेपी के अंदर, कांग्रेस के अंदर ऐसे बहुत सारे नेता हैं, उनसे काम नहीं करवाएंगे, उनसे पद से हटा लेंगे, लेकिन उनके ऊपर इतना बड़ा एक्शन भी नहीं लिया जाता है। देखो, जब कोई पुख्ता सबूत मिलते हैं किसी के बारे में कि वो विरोधी पार्टियों के संपर्क में था या लगातार उनसे संपर्क साध रहा था, तभी जाके ऐसे निष्कासन होते हैं। और पिछले दिनों कुछ निष्कासन हुए हैं, मेरठ में हुए हैं, आगरा में हुए हैं, तो पूरी जांच पड़ताल के बाद ही ये सब हुआ होगा, यही कार्यशैली है बसपा की। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इस कार्य को करते हुए कहीं जल्दबाजी का डिसीजन लिया जाता है? जैसे मैं किसी का इंडिविजुअली नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन फिर थे उसके बाद उनको निष्कासित भी कर दिया, जबकि उन्होंने अपना सारा जीवन इस बसपा के लिए लगा दिया, तो कहीं ना कहीं लोगों का मनोबल नहीं टूटता इसके लिए? देखो, आपने देखा होगा बसपा में जो लोग निष्कासित होते हैं उसमें 2 तरह के लोग हैं। एक वो जो सदा के लिए निष्कासित हो जाते हैं, लेकिन अगर बहन जी को लगता है कि ये व्यक्ति शायद उतना गुनहगार नहीं था या उसके विचारधारा में या विचारों में परिवर्तन जो है पार्टी के प्रति नहीं आ रहा है, वो कोई विरोधी पार्टियों के संपर्क में नहीं है और बसपा के मूवमेंट में लगा हुआ है, तो ऐसे लोगों की वापसी भी होती रहती है, तो कोई बड़ी बात नहीं कि उसमें से कुछ लोग वापस भी हो जाए। वैभव जी, बहुजन समाज की रैली बहुत बड़ी होती है, बहुजन समाज जिसे 85% कहा जाता है वो अपने आप में एक विशाल रूपी मूवमेंट है, लेकिन उसका वोट बैंक निरंतर गिरता जा रहा है, इसके लिए क्या बोलेंगे? देखो, ये चिंता का विषय आप कह सकते हो कि बसपा का वोट बैंक लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन आप राजस्थान का एग्जांपल लीजिए। राजस्थान में बसपा का वोट का जो प्रतिशत है वो ठीक ठाक रहा, 6 विधायक जीते, लेकिन अब दुख की बात बसपा के लिए ये रही कि वो 6 के 6 कांग्रेस में चले गए। तो ये मैनेजमेंट बसपा को करना पड़ेगा कि ऐसे लोग रहें जो जीना मरना जिनका पार्टी में हो। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, सभी पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं, लेकिन अगर बात करें जब चुनाव आप हार जाते हैं तो आप बोलते हैं ये कार्य जरूर ईवीएम का रहा है, क्योंकि बसपा का सबसे ज़्यादा इस पे कहना होता है कि ईवीएम की वजह से हम लोग हारे हैं, तो कहां तक सही है, आप कहां तक मानते हैं कि जो ईवीएम है कहां तक फॉलोइंग में आता है? देखो, सभी पार्टियां ईवीएम पे दोष मढ़ रही हैं, सभी पार्टियां ईवीएम को गलत मानती हैं, इसके खिलाफ आंदोलन भी कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, बसपा भी इसको लेकर कोर्ट में गई है, कांग्रेस पार्टी भी लगातार कहती रहती है। और आपने देखा होगा जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, जब आखिरी चरणों का मतदान हो रहा था, तब 22 पार्टियों का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के पास जाता है मीटिंग के लिए, लेकिन इनकी दिक्कत क्या है, ये सारे दल तब नहीं जागते हैं जिस टाइम पे चुनाव नहीं होते, ठीक चुनाव के समय जाके कहते हैं कि ईवीएम हो सकता है, ये हो सकता है, और चुनाव के बाद कहते हैं, तो ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और दूसरी बात एक ये भी है कि यदि हम सारा ठीक रहा ईवीएम के ऊपर फोड़ेंगे तो हमारे अंदर यानी कि किसी पार्टी विशेष की फंक्शनिंग में उसकी अपनी गतिविधियों में जो कमियाँ हैं उसको तो आप देख नहीं पाएंगे। मान लीजिए पार्टी का परफॉर्मेंस खराब है, तो हमने कहा कि ईवीएम दोषी है, तो यानी कि पार्टी बिल्कुल ठीक थी, कोई कमी नहीं थी, सारा प्रचार किया सही से। तो ईवीएम कुछ प्रतिशत दोषी हो सकता है, ईवीएम में कुछ जगहों पे गड़बड़ियां हो सकती हैं, लेकिन 100% ईवीएम ही गलत है ऐसा कह देने से पार्टी जो एक तरह से इंट्रोस्पेक्शन है ना, अपने अंदर नहीं झांक पाती कि हमारी क्या कमियां रही थी। एक और मैं सवाल कर लेता हूं आपसे,
बहुजन समाज की जो लीडर हैं बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती, कहीं ना कहीं उनको बताया जाता है। आजकल जो यूथ है या बहुत सारे लोग इस तरीके के कंट्रोवर्सी विषय भी बोलते रहते हैं कि बहन जी अब बुजुर्ग हो गई हैं और वो जो कार्यशैली है डिजिटल युग जैसी वो नहीं कर पा रही हैं, इसके ऊपर क्या बोलेंगे? देखो, राजनीति में कोई बुजुर्ग नहीं होता, राजनीति में सब युवा रहते हैं। आप देख लीजिए, सब पार्टियों के अंदर 70-80 साल के नेता हैं और वो आखिरी समय तक अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन एक बात आपकी सही है, आज के ज़माने में आज की राजनीति होगी और विशेषकर जब आपकी राजनीति में दिक्कतें आ रही हैं, आपको वोट नहीं मिल रहा, तो आपको नए तरीके, नए इनोवेटिव तरीके अपनाने होंगे। युवाओं को पार्टी में फॉर्मल तरीके से जोड़ के उनको जिम्मेदारियां देनी होंगी और जो युवा कर सकता है, अब युवा से आप कैडर कराइएगा तो अच्छी बात तो है नहीं, जब आप अनुभव है आपके पास, कैडर अच्छा करते हैं, तो युवाओं को ज़रूरत नहीं कैडर करने की, युवाओं को ज़रूरत है सोशल मीडिया, फेसबुक पे अपनी संख्या बढ़ा के ऑर्गेनाइज तरीके से पार्टी का वो प्रचार करें जैसे बाकी पार्टियां करती हैं। अब आम आदमी पार्टी चुनाव से इतना पहले ही रोज़ फेसबुक पे उसकी 10-12 पोस्ट आती हैं, क्यों कर रही है वो? आखिरकार राजनीति का जो असली उद्देश्य है वो यही होता है कि आपकी आवाज़ जनता तक पहुँचे, जितना ज़्यादा पहुँचे, जितने ज़्यादा माध्यमों से पहुँचे, जितना ज़्यादा देर तक पहुँचे, यानी कि आपको किसी तरह से अपने पार्टी के पूरे मैनिफेस्टो को, पूरे एक तरह से ऑब्जेक्टिव को गुंजाते रहना है, वो गूंजता रहे, और यही आम आदमी पार्टी कर रही है आज की तारीख में। जी, बसपा का वोट, बसपा का जनाधार, बसपा के लोग 85% होकर लड़ाई लड़ सकें, मजबूत हो सकें, उसके लिए क्या बोलेंगे आप? देखो, मैं तो खैर सजेशन देने वाला कोई होता नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी आप बहुजन के बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स पे काम करते हैं और अधिकतर देश विदेश जाते रहते हैं, सभी जगहों पे एनालाइज करते हैं, तो वहाँ पे किस तरीके से मूवमेंट को और अच्छा किया जा सकता है, आप क्या कहना है? मैंने बहुत सारी BSP की रैली अटेंड भी करी हैं, बचपन से भी करी हैं, है ना, बहुजन समाज का हिस्सा हूँ मैं, और मैंने एक पत्रकार के रूप में भी करी हैं, कवर भी करी हैं। बसपा को मीडिया से जो अपना अलगाव है वो ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कहते हैं कि मीडिया तोड़ मरोड़ के पेश करते, देखिए राजनीति में जो आपके पक्ष में नहीं है वो आपके विरोध में है या हो सकता है, तो आप मैक्सिमम लोगों को अपने पक्ष में लीजिए, मीडिया को साधिए, और जो युवा हैं इनकी जो एनर्जी है इसका इस्तेमाल करिए, सोशल मीडिया पर रहिए, कनेक्ट बनाइए। बहन जी बहुत कुछ कर सकती हैं, बहन जी के पास एक बहुत बड़ी टीम हो सकती है, और बहन जी को जिसे कहते हैं ना डिसेंट्रलाइज करना चाहिए अपने काम को, यानी कि सौंप दीजिए, इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब दिल्ली प्रदेश के जो प्रभारी हैं वो कहते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, क्योंकि बहन जी की इजाज़त नहीं है, तो ज़रूरी है कि बहन जी उनसे कहें कि आप जो चाहे करिए लेकिन रिजल्ट लाइए, और उसके बाद रणनीति आपकी होगी, तरीका आपका होगा। आप थे हमारे साथ वैभव जी, जिन्होंने बहुजन समाज के ऊपर ढेर सारी बात करी, और लेकिन मैं एक जरूर बात बोलना चाहूँगा कि बहुजन समाज के अंदर जो लोग बोलते हैं बसपा सुप्रीमो अभी बूढ़ी हो गई है या उनका नेतृत्व सही नहीं है, उनको अपनी मानसिकता का इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि जो कहते हैं जो शेर अनुभवी हैं और इतने टाइम से बहुजन मूवमेंट को चलाती हुई आ रही है, उनके पास बहुत अच्छे अनुभव हैं, उनके अनुभवों को देख देख के बड़ी बड़ी पार्टियाँ तक उनसे एक्सपीरियंस लेती हैं, बहुत अच्छे से उनकी कार्यशैली, उनकी रणनीति को लोग एनालाइजिस करते हैं, और बसपा सुप्रीमो की भी यही रहती है। और कई बार बहुजन समाज के लोग बोलते हैं कि बहन जी ने धरना नहीं किया, प्रदर्शन नहीं किया, बहन जी की एक आवाज़ पे पूरा देश बंद हो सकता है, चालू हो सकता है, बहन जी वो बहुजन समाज की चाबी हैं, और इसीलिए वो हर एक व्यक्ति विशेष, क्योंकि बहुजन समाज गरीब तब का वर्ग है और इसके ऊपर कोई आँच ना है, इसके लिए बहन जी बहुत सारे ऐसे आरक्षण जैसी चीज़ों पर काम नहीं करती है। वैभव जी, आपसे हमारे चैनल से बात करिए, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू सो मच, जय भैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।